बच्चों आज हम क्लास सेवन की का इंग्लिश लेसन सेवन पढ़ेंगे। इसके पहले हमने लेसन फाइव पढ़ा था। आपके कोर्स को थोड़ा कम किया गया है क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है कि आपके सिलेबस को कम किया जाए, इसलिए फिफ्थ के बाद हम सीधे सेवन लेसन पढ़ रहे हैं। ठीक है, पहले मैं आपको इसको समझा देती हूँ, इसके बाद इसकी एक्सरसाइज देती हूँ होमवर्क के लिए। लेसन सेवन, अकबर एंड बीरबल। अकबर एक राजा था, बीरबल उसका दरबारी था। इन दोनों के बीच की एक कहानी इस लेसन में सुनाई गई है जो मैं आपको बताऊंगी। अकबर द मुगल एम्पायर, मतलब ये एक मुग़ल बादशाह था। बीरबल वन ऑफ द नवरत्न ऑफ अकबर। अकबर के जो नवरत्न थे उसमें से एक बीरबल था। सम कोर्ट्रीज, दरबारी, मतलब एक दरबार लगा हुआ है जहाँ अकबर भी है, बीरबल भी है, कुछ दरबारी भी हैं। एक घटना इस लेसन में बताई जा रही है। वंस अपॉन अ टाइम जलालुद्दीन अकबर द ग्रेट एम्पायर ऑफ द मुगल डेनेस्टी वॉज सिटिंग द तख्त ए ताउस सराउंडिंग बाय द कोट्रीज। एक समय की बात है, जलालुद्दीन अकबर, अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन अकबर, अपने कहाँ बैठे थे, ये मुग़ल साम्राज्य में बैठे हुए थे, अपने तख्तो ताज में बैठे हुए थे और इनके चारों ओर दरबारी बैठे हुए थे, मतलब इनका दरबार लगा हुआ था वहाँ पे। वहाँ की ये घटना है। ऑल द देम वेयर नोइस वेयर विट एंड विजडम। वहाँ पे सभी दरबारी बैठे हुए थे। अकबर वॉज अ जॉली मूड, अकबर वहाँ पे क्या थे, मजाकिया मूड में थे। एंड ही थॉट द टेस्टिंग देयर इंटेलिजेंसी। अकबर उस दिन मजाकिया मूड में थे और वो जितने लोग बैठे हुए थे उनकी बुद्धिमत्ता का परीक्षण करना चाह रहे थे। ठीक है, अकबर जिस दिन ऐसे बैठे हुए थे, दरबारी सभी लोग बैठे हुए थे तो मजाक के मूड में थे, तो वो ये टेस्ट करना चाह रहे थे कौन कितना इंटेलिजेंट है। अब अकबर कुछ बोलते हैं, देर इज़ अ प्रॉब्लम इन माई माइंड एट आई एम अनएबल टू सॉल्व। अब अकबर अपने दरबारियों से बोलते हैं, मेरे माइंड में, मतलब मेरे दिमाग में एक प्रॉब्लम है जिसे मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। कोट्रीज टेल इस प्रॉब्लम योर मेजेस्टी वेल ट्राई टू सॉल्व इट। अब सभी दरबारी बोलते हैं, हमें वो प्रॉब्लम बताइए महाराज, हम उसे सॉल्व करेंगे। अकबर आई विल डू डैट। ठीक है, अकबर अब उनको अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। ही टुक अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉ द लाइन ऑन इट एंड सो इट इज द कोट्रीज। अकबर क्या करते हैं, पेपर लेते हैं और इसमें एक लाइन खींचते हैं और उसको सभी दरबारियों को दिखाते हैं। अकबर हाउ कैन यू मेक दिस लाइन शॉर्टर, और सभी दरबारियों से कहते हैं कि क्या तुम इस लाइन को छोटा कर सकते हो। और कोट्रीज इट्स वेरी सिंपल। कुछ एक दरबारी बोलता, हाँ ये तो बहुत सिंपल बात है, यू कैन रफ योर पार्ट ऑफ हिस योर मजिस्ट्री, ये लाइन को मिटा दो या रफ कर दो महाराज, तो ये लाइन छोटी हो जाएगी। अकबर नो यू कॉन्ट इस रव इट। तो अकबर बोलते हैं उनसे, नहीं तुम इसे मिटा नहीं सकते, बिना मिटा ही तुम्हें छोटा करना है। फिर अनादर कोट्रीज, मतलब दूसरा दरबारी भी अपनी को सलाह देता है, कैन बी ट्रायर ऑफ द पीस फ्रॉम द पेपर, बोलता है कि इस मतलब ये जो पेपर है इसको थोड़ा सा फाड़ दो तो भी लाइन छोटी हो जाएगी। अकबर नाउ यू कॉन्ट डू दिस एदर। अब अकबर बोलते हैं, नहीं तुम ऐसा भी नहीं कर सकते, तुम्हें बिना मिटाए बिना फाड़े इस लाइन को छोटा करना है। द कोट्रीज वेयर प्रिप्लेस्ड। अब पूरे दरबारी क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। दे स्नेक इन टू द थॉट बट डिड नॉट नो हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अब सब सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं, परंतु इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। नो द अदर हैंड बिलो वॉज स्माइलिंग इस कॉर्नर बट डिडेंट से एनीथिंग। अकबर आस्क्ड हिम। अब यहाँ वहाँ पे बीरबल बैठा हुआ रहता है कोने पर और मुस्कुराता रहता है, पर अकबर से कुछ नहीं कहता है। अकबर बीरबल कांट यू मेक दिस लाइन शॉर्टर। अब अकबर बीरबल से कहते हैं, क्या तुम इस लाइन को छोटा कर सकते हो। बीरबल यस योर मेजिस्ट्री आई कैन। अब बीरबल कहते हैं, हाँ महाराज मैं इस लाइन को छोटी कर सकता हूँ। अकबर सो अस हो। अब अकबर बीरबल से बोलते हैं, कैसे करके दिखाओ। बीरबल टुक द पेपर फ्रॉम द एम्पायर एंड ड्रॉ अनादर लाइन। अब बीरबल महाराज से उस पेपर को लेते हैं और उसमें एक और लाइन ड्रॉ कर देते हैं, मतलब खींच देते हैं। विच वॉज लॉन्गर देन द फर्स्ट लाइन, जो पहली वाली लाइन से लॉन्गर यानी कि बड़ी होती है। ही सोड इन टू द एम्प्लॉय एंड सेड। अब वो
सभी दरबारियों को ये दिखाते हैं और कहते हैं, सी योर मैजेस्टी, देखिए महाराज, आई विल मेड योर लाइन शॉर्टर, मैंने इस लाइन को छोटा कर दिया। अकबर वॉज वेरी इंप्रेस्ड बाय दिस इंटेलिजेंटी एंड सेड, अकबर उनसे बहुत अधिक प्रभावित होते हैं उनकी बुद्धिमत्ता से। बीरबल, यू कैन रियली शार्प एंड प्रमोट, और कहते हैं कि तुम बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति हो। ऑन अनादर ऑन्स अकबर ट्राइड दी आउटबीट बीरबल एंड बीरबल अगेन आउटबीट्स हिम, दिस इज वॉट हैपेंड। आपने यहाँ अकबर और बीरबल की एक कहानी सुनी जिसमें बीरबल के बारे में बताया गया कि उनकी बुद्धिमत्ता कितनी तेज थी। अब इसी लेसन में आपको अकबर और बीरबल की एक और कहानी सुनाई जाएगी जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। यहाँ तक हमें ये समझ में आ गया कि अकबर ने एक लाइन खींची थी और उसे शॉर्ट करने को कहा था, तो कोई नहीं कर पाया था उसे, सिर्फ किसने किया था? बीरबल ने। अब मैं आपको एक्सरसाइज दे देती हूँ होमवर्क के लिए थोड़ी सी। इसके लिए हम पेज नंबर 44 में जाएंगे। इसका सेकंड का बी, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड यानी कि टी, और टी यानी कि ट्रू, एफ यानी कि फॉल्स। जो सही है उसके आगे टी और जो गलत है उसके आगे एफ लिखना है हमें। बीरबल वॉज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, क्या बीरबल ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था? यस, तो ये आएगा ट्रू, यानी इसका टी लिखेंगे हम। कोयट्री वॉज ऑन देयर विजडम, जो दरबारी थे क्या वो सॉल्व नहीं कर पाए थे, है ना, तो ये भी क्या है? ट्रू। अकबर डिड नॉट गो टू द इंस्पेक्ट द प्रिजन, ये है फॉल्स, इसका एफ। अकबर आस्क्ड बीरबल टू ब्रिंग अ कैमल, ये भी है फॉल्स। अकबर वॉज टॉकिंग विथ अ क्वाइट रीस, ट्रू। इसका लास्ट वाला बोलता है अकबर अपने दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। इसका थर्ड और फोर्थ वाला आपको समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि वो नेक्स्ट जो स्टोरी है उसमें आएगा, है ना, जो मैं आपको अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो इसका पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तीसरा फॉल्स है, चौथा फॉल्स है और पांचवा ट्रू है। इस अब हम पेज नंबर 46 में जाएंगे। यहाँ पे फोर्थ के फिलिंदा ब्लैंक्स दिए हुए हैं ए और बी करके, जो हमें कंप्लीट करना है। फिलिंदा ब्लैंक्स स्पेस इन आर्टिकल ए एंड द वेरेवर नेसेसरी। इन फिलिंदा ब्लैंक्स में आपको ए का उपयोग करना है, एन का उपयोग करना, द का उपयोग करना, जो मैं आपको बता दे रही हूँ कि कहाँ आपको क्या उपयोग करना है। वी लिव इन एन, यहाँ आएगा एन, ए एन एन, ओल्ड हाउस। इन द, टी एच ई द, मिडिल ऑफ ए, यहाँ आएगा ए, विलेज। देयर इज ए ब्यूटिफुल गार्डन बिहाइंड द, टी एच ई द, हाउस। अब यहाँ पे द बड़ा आएगा क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया है, टी एच ई द। रफ ऑफ ए हाउस इज एन वेरी बेड कंडीशन, माई फादर इज ए, यहाँ पे आएगा ए। मेसन, ही इज एन होनेस्ट मैन, ही कॉल्ड अदर मानसूंस इज कॉन्स्ट्रक्ट ए न्यू हाउस फॉर अस। फिर से रिपीट कर देती हूँ, पहले में एन, दूसरे में द, तीसरे में ए, फोर्थ में ए, फिफ्थ में द, सिक्स में द, सेवन में ए, एट में ए, नाइन में ए एन और टेन में ए। जैसे हमने यहाँ पे ए एन द का उपयोग करें वहीं वैसे हमें इस वाले फिर इन द ब्लैंक्स में वॉस और वर का उपयोग करना है। वी रियली एन्जॉयड द पार्टी, ऑल द रूम्स वेयर, डब्ल्यू ई आर ई, क्राउड विथ पीपुल एवरी वन वॉस, डब्ल्यू ए एस, इन्जॉइंग ए लॉट, ऑल द पीपुल देयर वर, डब्ल्यू ई आर ई, वेरी स्मार्ट, वन ऑफ द गेस्टेस वॉस, डब्ल्यू ए एस, क्वाइट वेल नो इज हिज बिटी जॉक्स ही वॉस, डब्ल्यू ए एस, द एक्टर टॉम एल्टर, ईच गेस्ट वॉस, डब्ल्यू ए एस, वेलकम्ड बाय द होटेस्ट, इट्स अ लवली हाउस, यू नो ए नंबर ऑफ पीपुल वर, डब्ल्यू ई आर ई, स्विमिंग इन द गार्डन पूल, टू ऑफ माई फ्रेंड्स वर, डब्ल्यू ई आर ई, ऑल्सो इन्वाइटेड बट नेदर ऑफ देम वॉस, डब्ल्यू ए एस, देयर इल 10 o'clock। फिर से रिपीट करती हूँ, फर्स्ट में वर, सेकेंड में वॉस, थर्ड में वर, फोर्थ में वॉस, फिफ्थ में वॉस, सिक्स में वॉस, सेवन में वर, एट में वर, नाइन्थ में वॉस। हमें होमवर्क मिला है
ट्रू फॉल्स और दो फिल इन द ब्लैंक्स जो 44 और पेज नंबर 46 में दिया है। इतना होमवर्क करके हम कॉपी चेक कराएंगे। इसके आगे की वीडियो में आपको आगे का लेसन समझाया जाएगा और आगे की एक्सरसाइज कराई जाएगी। थैंक यू।